ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରୟାସ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ମା ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ ରାଜନୀତିକର ପଲିଟିକାଲ୍ ହବ ପଏଣ୍ଟ କୁହା କୁହାଯିବ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ

আউ কংগ্রেস কড়া টকর হব কিছু এক্জিট পোল দর্শাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু সিট কম সিট ব্যবধানের জিতব এবং কিছু একজিট পোল দর্শাইলে যে কংগ্রেসর বিজয় হব কিন্তু সবু जो प्रतीक्षा तार अंत घटि जनता जनार्दन बीजेपी को एटि मुकुट पिन्धी जनता जनार्दन बीज, जो बिजेपि नेता सुनार कलश कलस ढालिन्छ मध्यप्रदेश राजनीति गोटे नुवा मोड आसि जम्तिक लाडली योजना कथा क सहरी विकास कथा ग्रामीण विकास कथा क्रामीण बिकास जो मुद्दा मध्यप्रदेश रहिथाएप्रदेश मुद्दाको बरकर रख्यो सफल है जो बीजेपी তো কংগ্ৰেছ এই দাবা কৰোঁ যে এণ্টি ইনকমবন্সি কথা ক'ৰ ওলাই বিভিন্ন আৰপা লগৈপ্ৰদেশ চৰকাৰে শিৱৰাজ সিং চৌহান উপে বিভিন্ন আৰোপ লগৈ কিন্তু সবু যি আপোনাৰ সেই আৰোপু জনতা জনাৰ্দন খণ্ডন কৰি স্পষ্ট বহুমত সৈতে বিজেপি দলক জিতি তে আমি তু বৰ্তমান যি এম পি নগৰৰে অঁ এম পি নগৰৰ জনে স্থানীয় বা অ ভোপালৰ যি এম পি নগৰ অঁ চিধাচল তাৰ প্ৰিয়া নেবা सर पहले तो आपको स्वागत है अर्गस न्यूज़ में आप कैसे देख रहे हैं ये जो माहौल मध्य प्रदेश के माहौल सबको ये नतीजा चौंकाने वाले नतीजा जैसे आ गया एग्ज़िट पोल के हिसाब से थोड़ा उल्टा आया है इस बार का नतीजा क्या बोलना चाहते हैं नहीं एग्ज़िट पोल के हिसाब से भले ही नतीजा है लेकिन ओरिजिनल नतीजे तो आज आए ना और आज आने से पता चल गया है पब्लिक को और दूसरी पार्टियों को कि बीजेपी में क्या दम है और वो क्या जनता के लिए काम करती है गरीबों के लिए काम करती है जन धन योजनाएँ चलाई उसने गरीबों के लिए अन्य योजनाएं चलाई हैं कोरोना काल में सबको जीवित करा है। उसने कुछ लोग तो मर चुके थे जिनको जिंदा किया उसने तीन डोज दिए उसने एक डोज की जगह और दूसरों को वर्ल्ड में भी सप्लाई करी हमने वो उस दवाई को को जो वहाँ पर भी बचाए लोगों को तो ये योजनाएं जैसे हमारी बच्ची को बच्चियों के लिए शिवराज सिंह ने योजना चलाई कि फर्स्ट आने पे पिछहत्तर पच्चीस हज़ार रुपये उसको यह लैपटॉप मिलेगा अभी स्क्योरिटी योजना चलाई है उसमें ये बच्चों के युवाओं के लिए योजना है गरीबों के लिए योजना है मकान की आज जो गांव में लोग झोपड़ियों में रहता था वो मकान की छत के नीचे रह रहा है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा लोन मिल रहा है वो उसमें पहुँच रहा है बेरोजगारी भी दूर हुई है आजकल डिजिटल मार्केट हो गया है उससे बेरोजगारी भी दूर हुई तो है तो काफ़ी योजनाएँ हैं जो कि मतलब उसके लिए जो समर्थन मिला वो बिल्कुल सही मिला है ग्रामीण अंचल है जैसे कि ग्वालियर एरिया हो गया आपका आ, जो बुंदेलखंड अंचल हो गया जो बिंद एरिया हो गया आ, ये जो चंबल का इलाका है ये सब इलाका में कांग्रेस का थोड़ा दबदबा रह, रहेगा बोल के जो इलेक्शन एक्सपोर्ट ने बोल रहे थे लेकिन नतीजा कुछ और निकला इसके बारे में आ, क्या बोलना चाहते हैं वो तो देखिए कि, कि कुछ दल बदलू हुए थे तो उसके वजह से ऐसा लग रहा था कि कुछ चेंज होगा वहाँ पर बट हुआ नहीं फ्लोर पे तो नहीं आया फ्लोर पर तो वन सिक्सटी फाइव टंग गया बोट पे तो वो दिखा नहीं लोगों की वो एक्चुअली कांग्रेस ने कुछ किया नहीं वो कन्वर्ट भी नहीं कर पाया बोट को सिर्फ हवा में उड़ाते रहा बोल जो भी बाधा थी उसकी बोलने की वो हवा में उड़ाते रहा बोट को कन्वर्ट नहीं कर पाया वो मोदी मैजिक एक फैक्टर रहा क्या युवाओं को लेके मोदी मैजिक फैक्टर भी है वो क्योंकि एक अच्छे वक्ता प्रवक्ता और राजनेता भी हैं वो वर्ल्ड लीडर हैं इस समय वो वर्ल्ड को लीड करेंगे कुछ आने वाले समय में उन्होंने बोला भी है और वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको पब्लिक को वो अवेयर करते हैं अभी देखिए साइक्लोन के लिए उन्होंने अभी से चिंता शुरू कर दी कि कहीं ऐसा ही नहीं हो कि मेरी पब्लिक फंस जाए वहाँ पे तो एक सोच है उनकी आगे की ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस टाइम से यहाँ पे बीजेपी में ज्वाइन किए वो टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन हुआ है ज़्यादा रुझान सामने में आ रहा है जब बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है सोच रहे हो ज्योतिरादित सिंधिया जी एक बहुत अच्छे घराने से हैं और बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने जो किया है वो उनके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया है लेकिन आम पब्लिक के लिए भी उन्होंने सही किया है और उनके लिए भी सही किया है और जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं सब अच्छा है वो देख रहे हर जगह देख रहे देखने को मिल रहा है एंटी इनकमसी लेकिन यहाँ पे प्रो इनकमसी देखने को मिल रहा है इतने साल के शासन के बाद भी जनता जनार्दन यही सरकार को चुन रहे हैं यही सरकार को क्या देख के चुन रहे हैं जनता जनार्दन देखिए देखिए उसकी ये बीजेपी सरकार की योजनाएँ हैं और उसके द्वारा वो जीत रही है आगे की योजना है, अभी देखिए लाडली बहना का योजना है, जैसे शिवराज जी लेके आए बहुत अच्छी योजना है उसके द्वारा अब अब उन्होंने एक घोषणा और करी है आ, कि हमारे जो पैदा होते से बच्चे को जो है उसको आ, ग्रेजुएशन करने तक जो है फ्री शिक्षा है चाहे वो इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए या कुछ बन जाए विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो फ्री पढ़ाई करवा रहे हैं युवाओं के लिए तो ये योजना के द्वारा अभी पाँच साल के लिए फिर उन्होंने गरीबों के लिए राशन फ्री कर दिया आवास फ्री हो ही गया उनके लिए आर्थिक स्थिति भी सुधर रही रही है पब्लिक की तो ये योजनाएं उनकी ये वो फलीभूत हो रही है उससे वजह से उनको बहुमत मिल रहा है कांग्रेस तो यहाँ पे जोरदार प्रयास किया है कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो उनके साथ जुड़ गए थे राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी हर कोई यहाँ पे प्रचार किए माराथन प्रचार किए उसके बावजूद भी ये शर्मनाक हार ये हार के वजह क्या हो सकता है नहीं मैं फिर आपसे वही बोल वो उन्होंने जो सब कुछ किया प्रोपोगंडा किया प्रचार किया एडवर्टाइजमेंट जो भी किया बट वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाया वो लोगों की जो जनभावना और उसके दिल में नहीं घुस पाया कि हमें एक्चुअली धरातल पर क्या योजनाएँ लाना चाहिए उनके पास कोई विजन नहीं है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सिर्फ खाली बरवल उनके पास वो हैं बोलने के लिए बाकी वोटर के दिल में पहुँचने के लिए जगह नहीं है उनके पास आुणुले जो स्थानीय बास, बासिन्दा जनक लेखे सि जो दीर्घ दीर्घदिन सरकार मध्य जनता जनार्दन बाछु तो ग्रामीण अंचल कथा कि सहर अञ्चल कथा कि बिकासम्स र एवं जो को, जो बीजेपी सरकार बर, सरकार जो बर्करार रिक् तेणु जनता जनार्दन जनारदन त बाँचिएको भोपालु क्यमेरा पर्सन वकासको सह सुमित कुमार घंट अर्गस न्यूज जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं